हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है सुबह के 9 बज गए हैं और आज का दिन है सैटरडे और खाना मेरा बन गया है। खाना बन गया है, नाश्ता बनना बाकी है। अभी बच्चों को अभी नाश्ता करना नहीं था, भूख नहीं थी उनको अभी, तो फिर बोले कि थोड़ी देर से करते मम्मी नाश्ता। तो मैंने सोचा तब तक फिर मैं साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सभी बाकी है मेरा, तो फिर मैं पहले साफ़ सफ़ाई कर लूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता मैंने भी अभी किया नहीं है, तो तीनों मतलब हम तीनों साथ में कर लेंगे, बच्चे और मैं। और खाना मेरा इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि ऋषभ के डैडी को जो है नाश्ते में सब्जी रोटी चाहिए होती है, तो फिर सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है मुझे, तो फिर पूरे दिन की बना लेती हूँ मैं। सब्जी रोटी दाल चावल सुबह ही बन जाते हैं मेरे, इस वजह से जो है ना मेरे काम जल्दी निपट जाते हैं, मुझे टाइम भी बहुत सारा फ्री मिल जाता है। नहीं तो अगर सुबह में नाश्ता बनाने बैठूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद में उसके बाद खाना बनाऊँ मैं, तो वैसे भी ना दोपहर हो जाएगी, खाना बनाते बनाते 12 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद खाने वाने होते हैं तो 1-1.5 तो आराम से बच जाते हैं साफ़ सफ़ाई करने तक, तो पूरा दिन जो है ना किचन में चला जाता है, जहाँ पे नाश्ता खाना ऐसा अलग बनता है ना। मैं ना ऐसे बहुत सारे घर देखती हूँ जहाँ पे सबसे पहले तो नाश्ता बनता है, फिर नाश्ता वगैरह खाना होने के बाद 10-10:30 बजे के करीब या 11 बजे के करीब जो लेडीज़ जो है ना खाना बनाने बैठती है, तो फिर खाना बनने में ऑब्वियसली 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और फिर खाना बनने के बाद फिर उससे जुड़ी साफ़ सफ़ाई होती है, जैसे कि किचन साफ़ करना, काउंटर वगैरह साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, तो उसमें टाइम चला जाता है। मतलब ऐसा होता है कि फिर खाना बनने के बाद भी पूरी दोपहर जो है ना काम में चल जाती है, सबको खाना परोसना ये वो, तो लगभग मुझे मेरे ख्याल से 3 बज जाते होंगे लेडीज़ को। और फिर क्या है, फिर थोड़ी देर में शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम की चाय पानी के टाइम अपनी और वही फिर खाना बनने का टाइम, तो फिर पूरा दिन जो है ना किचन में चला जाता है, किचन में जाता है। मतलब मैं ये कहूँ कि पूरा दिन ना ऐसे ही काम में चला जाता है, फ्री टाइम लेडीज़ को नहीं मिलता। और अगर हम नाश्ते के साथ ही खाना बना लेना, तो फिर जो खाने के बर्तन वगैरह है उसी टाइम में साफ़ हो जाएंगे, तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे हमारे, साथ के साथ सफाई भी हो जाएगी, और फिर परोसने का उतना बड़ा काम होता नहीं है, जो कोई भी आता है बस उसको परोसना है। मेरा तो ऐसा है, मैं नाश्ता खाना साथ में बना लेती हूँ, और कभी कभी क्या हो जाता है, कभी देर हो जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से मुझे खाना बनाने में लेट हो जाता है, तो फिर मुझे भी 11-12 बज जाते हैं ना खाना बनाने में, और उसके बाद उसकी सफाई वगैरह करने में 1 ही बज जाता है। तो फिर वो मुझे उस टाइम पे लगता है ना कि जिस घर में ऐसा होता है ना कि नाश्ता खाना अलग अलग बनता है, तो उस टाइम उस घर की लेडीज़ जो है ना पूरा दिन किचन में ही रहती है। और मैं भी जब खाना बनाती हूँ ना लेट हो जाता है मुझे कभी कभी, तो मेरा भी 1 बजे तक तो टाइम किचन में जाता है। तो अगर एक आधे दिन हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे, लेकिन बार बार मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना पूरी किचन में ही जा रही है। और मेरा मानना ये है कि हमारा जो किचन है वो ज़िंदगी का हमारा छोटा सा प्यारा सा हिस्सा होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने रूटीन पे वापस आते हैं। तो देखिए, साफ सफाई कर ली मैंने, बेडशीट बदलनी थी मुझे, लेकिन ऋषभ था बैठा हुआ वहाँ पे, तो फिर मैंने बेडशीट रहने दी और झाड़ू वगैरह लगा ली। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। वैसे झाड़ू का काम खुशी करती है, लेकिन क्या हो रहा है ना, इतनी आंधी वगैरह आ रही है ना, तो धूल वगैरह ना बहुत ज्यादा आ रही है घर में, तो फिर मैंने खुशी से कहा कि मुझे झाड़ू लगाने दे, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी ना मैं तो अच्छे से पोछा लग जाएगा, तो फिर मुझे दिन भर अच्छा लगेगा। और देखिए ये बेडशीट बिछाने जा रही थी ना मैं, तो ऐसे आके लेट गया, तो फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा जब हो गया ना तब बिछा लेंगे, और वैसे भी ना एक बार हाथ में से काम छूट जाना तो होता नहीं है, पूरे दिन ऐसे ही रहेगी अब वो। तो चलिए, साफ सफाई झाड़ू पोछा सभी कुछ हो गया है, पूरा घर जो है ना अभी नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा, तो अभी पे नाश्ता करने में भी ना मतलब एक संतोष होता है कि चलो बाकी कोई काम नहीं है, बस अभी नाश्ता ही करना है, तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए मैं आपे बना रही हूँ, और ये आपे जो है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ, और ये जो आपे का बैटर है ना थोड़ा सा मेरे से ना ज़्यादा पतला हो गया है, तो पता नहीं कैसे बनेंगे। और बच्चों के लिए आपे बना लूँगी, और मैं अपने लिए मतलब सब्जी तो बनाई है मैंने, लेकिन मुझे सब्जी खाने का मन है नहीं, खाना मेरा बन गया है पूरा, मेरा चटनी खाने का मन है, तो मूँगफली की चटनी बनाई थी ना, तो मैं चटनी ले ले रही हूँ यहाँ पे। और ये जो है ना ये कटहल का अचार है, तो कटहल का अचार और चटनी और रोटी खाऊंगी मैं। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है और वही अच्छी लगती है उस टाइम पर। तो चलिए, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा, अभी काम तो सारे हो गए हैं, लेकिन काउंटर साफ़ करना बाकी है मेरा, और अभी यहाँ पे टाइम जो है ना 10:15 हो गए हैं, तो अभी मुझे फिर से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पर का पूरा काम निपटाने में, सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह करने में 15 मिनट में हो जाएगा मेरा, बर्तन वगैरह भी हो जाएगी उसमें, और जो काउंटर वगैरह की क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी। तो पहले मैं गैस को क्लीन कर लूँगी स्क्रबर से, डिश वॉश लिया अपना, स्क्रबर से सब कुछ साफ़ कर लिया, उसके बाद वाइपर से पानी निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, तो इसमें मुझे 6-7 मिनट लग गए हैं लगभग, तो फटाफट से काम हो जाता है। जब जब तक दिमाग में मैं रखती थी ना कि मतलब क्या होता है, जब काउंटर ज़्यादा फैला हुआ देखते हैं ना, तो दिमाग में हम सोच लेते हैं कि इतना बड़ा मतलब ना प्रेशर आता है ना, इतना सारा चीज़ें फैली दिखती है, तो कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन ना बड़ी बात नहीं होती है। जब से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है ना कि बस छोटी सी तो बातें 5 मिनट में हो जाएगा, तो जिस टाइम में हम ऐसा सोचते हैं ना कि छोटी सी बातें 5 मिनट में हो जाएगा, तो प्रेशर तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है पूरा, और फिर प्रेशर नहीं आता ना काम का, तो काम भी फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर नहीं रहेगा तो काम भी छोटे से लगते हैं। मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत होती है कि जिस भी काम का टेंशन आता है मुझे या
प्रेशर आता है तो मैं बोल देती हूँ, मतलब दिल को अंदर खुद को बोलना होता है, दूसरों को नहीं, छोटी सी बात है 2 मिनट में कर लूँगी, तो वो प्रेशर जो है ना उसी टाइम पे मेरा खत्म हो जाता है, तो फिर मुझे मतलब काम का टेंशन नहीं आता, फिर मैं आराम से काम करती हूँ। तो देखिए काउंटर साफ हो गया, लगे हाथ मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा की भी सफाई कर ली, और यहाँ पे देखिए बर्तन भी साफ कर ले रही हूँ। और अभी एग्जैक्ट टाइम जो है ना, मतलब अभी 12 मिनट हुए हैं जब से मैंने वीडियो शुरू किया है ना, तो बस अभी 12 मिनट हुए हैं, 3 मिनट मेरे पास बाकी है अभी, तो 3 मिनट में ये बर्तन धुल जाएंगे, सिंक भी साफ हो जाएगा, यहाँ पे की सारी सफाई हो जाएगी 3 मिनट में, तो 15 मिनट में मेरा पूरा किचन जो है ना साफ हो गया है। और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर लिया, पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से किया है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कामों को, हमें ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता, प्रेशर ले लेते हैं ना हम तो क्या होता है कि हड़बड़ाहट में काम करते हैं तो काम बनने की जगह ना बिगड़ जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर शांति से काम करते रहते हैं ना तो एक एक काम निपटता चलता है और हमें पता भी नहीं चलता कि काम कब निपट गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंक भी साफ हो गया है मेरा, और यहाँ पे देखिए वाइपर से पानी भी पूरा डाल दे रही हूँ सिंक में, तो देखिए चकाचक होगी किचन। और अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है मेरे पास में, काम निपट गए हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो अपर लिप्स और फोरहेड कर ले रही हूँ, ये दोनों चीज़ें घर पर ही करती हूँ मैं, हमेशा घर पर करती हूँ। वैसे तो आईब्रो भी आती है मुझे करना, लेकिन वो सेफ नहीं होता आईब्रो करना, तो मैं आईब्रो करने के लिए पार्लर जाती हूँ, और उधर से आने के बाद घर पर आकर अपर लिप्स और फोरहेड करती हूँ। मुझे अपने हाथों से अच्छा लगता है, और मुझे ना अपने हाथों से दर्द भी कम होता है अपर लिप्स करने में, अगर मैं पार्लर में अपर लिप्स करूँ ना तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, अपने हाथों से फटाफट कर लेती हूँ ना तो पता नहीं चलता मुझे। तो अभी अपर लिप्स और आईब्रो करूँगी, उसके बाद कंघी वंघी करूँगी, थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ और तैयार हो जाऊँगी थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना अपना वीडियो का काम शुरू कर देती हूँ। तो वीडियो का काम करने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, और जब से ऋषभ को छुट्टियाँ लगी है ना तो 1-1.5 घंटा भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है मुझे, मतलब मिल तो जाता है वैसे, लेकिन फिर वो बीच बीच में डिस्टर्ब करता है तो उसको देखना पड़ता है, चिल्लाता है, तो मतलब शांति का 1-1.5 घंटा निकलना बहुत मुश्किल है बच्चे घर में रहने के बाद में, एकदम पूरी तरीके से शांति तो मिलती ही नहीं है। अभी भी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना तो कहीं ना कोई आवाज़ बीच में आ ही रही है, लेकिन अब उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वैसा टाइम मिलता ही नहीं है, तो मुझे भी फिर एडजस्ट करना पड़ रहा है, जैसे मौका मिलता है वैसे वॉइस ओवर करती हूँ। वैसे एडिटिंग का तो कोई नहीं, शोर शराबा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वॉइस ओवर के लिए ना बहुत शांति चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय फ्रेंड्स।